लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। इंदौर के जिलाध्यक्ष ने स्काउट गाइड के राज्य आयुक्त पारस जैन पर गंभीर आरोप लगाते हुए संस्था का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। अध्यक्ष भंवर शर्मा के मुताबिक पारस जैन राजनीतिक संरक्षण से स्काउट गाइड की जमीन का व्यवसायीकरण करना चाहते हैं। भारत स्काउट एवं गाइड की इंदौर इकाई के चुनाव विधि सम्मत 2018 में संपन्न हुए थे, जिसमें भंवर शर्मा को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। लेकिन स्काउट गाइड के राज्य आयुक्त पारस जैन ने चुनावों की मान्यता न देते हुए इंदौर कलेक्टर लोकेश जाटव को चुनाव प्रक्रिया की जांच करने का आदेश दिया। जांच रिपोर्ट में भी निर्वाचन विधि सम्मत पाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी पारस जैन द्वारा संघ को मूल अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। साथ ही भाजपा नेता राकेश डागौर के संरक्षण में काम करने का आरोप लगाया। वहीं शर्मा का कहना है कि वे 1983 से संस्था के पदाधिकारी हैं, लेकिन उनका आरोप है कि निर्वाचन प्रक्रिया में भी बिना किसी शासकीय पद के अधिकारी को नियुक्त कर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। जनवरी 2018 में मेरे जिला संघ चुनाव जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से संपन्न हुए थे। 2018 में मेरे चुनाव की मान्यता के संदर्भ में मैंने मेरे जिला सचिव महोदय के माध्यम से मैंने मान्यता हेतु आवेदन किया था। दो वर्ष से अधिक समय तक भी मुझे बिना किसी कारण बताए, मेरे चुनाव वैध हैं अवैध हैं इसका कारण बताए, उन्होंने मुझे मान्यता नहीं दी। मान्यता नहीं देने के पीछे उनका राजनीतिक कारण था, चूँकि वे भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और मैं कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी हूँ। उसके बावजूद भी बार बार निवेदन करने के बाद, मान्यता नहीं देने के बाद, उन्होंने मनमाने तरीके से मेरा पक्ष बिना सुने उन्होंने कलेक्टर की अध्यक्षता में एक तदर्थ समिति गठित की। कलेक्टर महोदय के द्वारा निर्वाचन मेरे संपन्न नहीं हुए और मध्य प्रदेश विधानसभा की आचार संहिता लगने के दौरान उनके एक अधिकारी द्वारा मनमाने तरीके से चुनाव की प्रक्रिया जो प्रारंभ की गई थी, मेरी शिकायत पर SDM द्वारा उस सारे प्रोसेस को आचार संहिता के दौरान स्थगित की गई थी। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे 2018 में जो चुनाव हुए हैं उसकी मुझे मान्यता दी जाए, और जो मैंने 30 वर्ष से अधिक समय तक मैंने जो भवन का वो मैदान का मैंने जो विकास किया है उसको पारस जैन सहित जो लोग हैं इसको भूमाफियाओं को बेचना चाहते हैं, वो इस पर अवैध अतिक्रमण कर मुझे वहाँ से बेदखल करना चाहते हैं। किसी भी समय मेरे कार्यालय में तोड़फोड़ हो सकती है, अवैध रूप से कब्जा हो सकता है। मैंने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया है कि मेरे मैदान को मेरे कार्यालय को पूर्ण संरक्षण दे। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।